आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर के लगभग देश में सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं। बात कर रहे हैं 2023 की। 2023 में आपने ध्यान दिया होगा कि जब कर्नाटका में चुनाव हो रहे थे उस समय भी ये मुद्दा काफी जोरों शोर से उछला था। पूरे का पूरा भारत और खास तौर पर पूरे भारत की मीडिया इस पूरे मुद्दे पर लगातार बहस करती रही। आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर ये मुद्दा है कौन सा, और देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जो कि उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हैं, वह इस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं और यह मुद्दा क्या है। आप वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हम बताने जा रहे हैं कि हिजाब का मुद्दा जो कि कर्नाटक से उछला था, केरला में भी हिजाब का मुद्दा आया था, जहां पर एक बस में एक गैर मुस्लिम लड़की को इसलिए उतार दिया गया चूंकि उसने हिजाब नहीं पहना था। आप पूरे प्रकरण की आपको जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि मुंबई के अंदर आचार्य और इसके अलावा डी के मराठे करके जो वहां पर कॉलेज थे, उस कॉलेज में पढ़ने वाली 9 लड़कियों ने मुंबई हाई कोर्ट की तरफ रुख किया और वहां के विद्यालय प्रबंधन ने जब उनको हिजाब लगा करके आने से मना किया तो उन्होंने इसका विरोध करते हुए सीधे वो हाई कोर्ट पहुंच जाती हैं। हाई कोर्ट में उनकी जब बहस होती है और सुनवाई होती है तो उस सुनवाई के दौरान वहां के जो जज होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर आपको दिक्कत क्या है। वो 9 लड़कियां बताती हैं कि उन्हें दिक्कत यह है कि अगर वो हिजाब नहीं पहनती हैं तो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचता है। इसको लेकर के वहां के जज ने सीधे सीधे अपना निर्णय सुनाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) और 25 के तहत किसी भी प्रकार से आपके धार्मिक भावनाओं का कोई भी उल्लंघन नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस पूरी याचिका को ये करते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद वो 9 लड़कियां सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करती हैं और वहां जाने के बाद वो सीधे कहती हैं कि 7 दिन में ही उनके टेस्ट चालू होने वाले हैं, यानी टेस्ट एग्जामिनेशन होंगे कॉलेज के अंदर, और ऐसी परिस्थिति में उन्हें तत्काल रिलीफ की आवश्यकता है और वो बिना हिजाब के स्कूल नहीं जाएंगी। ऐसी सोच के साथ जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर इस पूरे प्रकरण उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है। जल्द ही इसकी सुनवाई चालू हो जाएगी कि इस प्रकार की जो परिवातावरण बन रहे हैं जिसमें जबरदस्त दखलंदाजी की जा रही है। अगर हम बात करें उन दोनों कॉलेजेस की तो वो दोनों कॉलेज निजी कॉलेज हैं। भारत के संविधान प्रदत्त चीजों की बात करें तो भारत में गणवेश एक प्रक्रिया है, वकील भी गणवेश पहनता है। अगर हम बात करें डॉक्टर भी, उसका भी कोट एक वाइट कोट उसका गणवेश होता है, यानी प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग होती है। प्रत्येक कॉलेज में किसी के बीच में कोई भेदभाव ना हो, हिंदू और मुसलमान ना हो, अमीर और गरीब ना हो, इसीलिए एक प्रकार की ड्रेसेस दी जाती है। छोटे और बड़े सभी स्कूलों में इस प्रकार का प्रावधान है, लेकिन जिस प्रकार भारत के संविधान को रौंदने का प्रयास हिजाब के माध्यम से किया जा रहा है और उसको लेकर के धूर्तता तो इतनी है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे आतथ्यात्मक और कुतर्क गढ़े जा रहे हैं जो भारत के संविधान को लहूलुहान करने का काम कर रहे हैं। आखिर पूछना यह चाहते हैं कि हिजाब से अगर इतना ही प्रेम है तो मदरसे में जाकर के पढ़ो। किसने कहा है कि सेंट जेवियर, किसने कहा है कि डी के मराठे, किसने कहा है एजी आचार्य कॉलेज में जाकर के पढ़ाई की जाए। धर्म और समाज दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। हर घर की अपने अपने नियम होते हैं और हर घर में के साथ साथ सभी संस्थानों के अपने नियम होते हैं। भारतीय संविधान के तहत जो शिक्षण संस्थान चलाते हैं उनको ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने प्रेमिसेस में, अपने परिसर में किन नियमों के तहत शिक्षण संस्थान में लोगों को अध्ययन कराएंगे। ऐसी परिस्थिति में एक प्रकार से देखा जाए तो बार बार हिजाब का मुद्दा ला करके भारत में गजवाए हिंद को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल देखना ये है कि क्या डीवाई चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण पर क्या फैसला आने वाला है। पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है। एक बार हिजाब का मुद्दा फिर केंद्र बिंदु में दिखाई पड़ने लगा है। लोगों को लग रहा है कि हिजाब का मुद्दा लाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाले हैं, इसके साथ ही झारखंड हरियाणा में भी चुनाव होंगे और साथ ही साथ बिहार के भी चुनाव आगामी दिनों में होंगे। इन परिस्थितियों में हिजाब का मुद्दा काफी गर्मा गर्म और चर्चा का हो सकता है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि हिजाब को लेकर के आज से नहीं बहुत दिनों से इस पर चर्चाएं होती रही हैं और बार बार हिजाब को लेकर के कोर्ट में लोग गए थे। कर्नाटका के भी हाई कोर्ट ने
जबरदस्त फटकार लगाते हुए उन मुस्लिम छात्राओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया और साथ ही उनकी याचिका खारिज कर दी, ये कहते हुए कि किसी भी प्रकार से उनके धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं होता है। इतनी बात सुनने के बाद भी कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी आज ही पूरे देश की बेटियों को हिजाब पहनाने पे उतारू है। हिजाब आप पहने अच्छी बात है, लेकिन सभी गैर मुस्लिम लड़कियां आखिर हिजाब क्यों पहने? केरला के अंदर तो हद तब बढ़ गई जब गैर मुस्लिम लड़कियों को भी हिजाब पहनाने के लिए ये कट्टर पंथी आक्रामक हो जाते हैं, उनके साथ ऐसा भेदभाव करते हैं, साथ ही हिंसा भी करते हैं। यह एक बड़ी घटना है। फिलहाल अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या निर्णय देता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जोर दबाइए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।